एक इंसान काम करना चाहता हो ना, ये नहीं हो सकता कि उसे मौके नहीं मिले। आपको गरीब ढूंढने, आपको गरीब ना मिले, आपको देने के लिए कोई आपका मन है और आपके पास देने के लिए कुछ ना हो, हम नहीं मानते। इंसान को अपनी इस्तेमाल के मुताबिक काम करना चाहिए, मदद मिल जाएगी उसको। शेख मदद करना है तो दूर की बात है, अब क्या हम गरीब को डिस्कस करना भी छोड़ दें? मतलब उससे डिस्कस भी नहीं होता हमारे पास गरीब। ये असल लोग हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिंध जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इग्नोर्ड किया गया है, बहुत निग्लेक्टेड है। शेख हम अब हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कौन क्या कर रहा है। बात ये ना, अब इससे कहानी बहुत आगे निकल चुकी है। अगर हम भी इंतजार करते रहेंगे कि कोई आएगा तो शेख मुझे तो नहीं लगता ऐसे कोई आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। देर आए मगर चले दुरुस्ती आ गए। बड़े अरसे के बाद आज हम अपने शहजादे हमारे शेर के साथ मीरपुर खास के अंदर हैं, जो हमारा राशन हाउस है। दिनों का भी रहेगा इस इलाके के अंदर, रेगिस्तानी बेल्ट के अंदर जो हम काम कर रहे हैं उसके हवाले से। लेकिन हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये अभी सिर्फ 3-3.5 घंटे की ड्राइव के ऊपर अभी गर्मी का ये हाल है कि हम आपको बता नहीं सकते। आगे हालात क्या है वो तो बात की बात है। बहरहाल ये हम गरीबों फकीरों का एक छोटी सी मेहनत है। तो यहाँ पे माशाल्लाह करिया करिया बस्ती बस्ती बाइकों के ऊपर इस तपते हुए रेगिस्तानी पट्टी के अंदर अली और उसकी पूरी टीम और हम लोग सारे जो थे वो काम ढूंढते थे कि मदद कैसे कर सकते। शेख सिंध के अंदर इस वक्त जो सर्वेज हमारे पास मौजूद हैं, जो गरीबों की बेवाओं की जो लिस्ट है ना, तकरीबन 67 शहरों की लिस्ट है हमारे पास। 67 शहर? जी 67 शहरों की लिस्ट है जिनके लिए हर महीने जो है वो राशन का इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। और इन 67 शहरों के अंदर कोई रमजान का बता रहे हैं, ये हमारा एक मामूल है। ये हमारा मामूल है, घूमते रहे। और ये सर्वे कौन कर रहा है हमारी टीम की? जी हमारे हर मकाम हर शहर के अंदर जो है वो 10 से 12 वॉलंटियर काम कर रहे हैं इस टाइम, जो सर्वेज भी कर रहे होते हैं और साथ में बच्चे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान को अपनी इस्तेमाल के मुताबिक काम करना चाहिए, मदद मिल जाएगी उसको। शेख मदद करना है तो दूर की बात है, अब क्या हम गरीब को डिस्कस करना भी छोड़ दें? मतलब उससे डिस्कस भी नहीं होता हमारे पास गरीब। जब रमजान शुरू होने लगा था तो एक बेवा खातून के घर मैंने जब राशन पहुंचाया ना, तो वो खातून जो है ना वो राशन का बॉक्स देख के रोने लगी, बेवा खातून। क्यों? और वो पूछती है मेरे से कि आपको अल्लाह ने भेजा? मैंने बोला ये कैसा सवाल किया आपने? वो कहती है कि आज शाम से रमज़ान शुरू होना है, आज चांद नज़र आना है, मेरी बेटी ने मुझसे सवाल किया था कि इस दफ़ा हम रोज़े कैसे रखेंगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने अल्लाह से मांगा था राशन। ये जो है राशन ये एक महीने के लिए पूरा हो जाता है? नहीं शेख, ये छोटी फैमिली के लिए तकरीबन 15 से 20 दिन की सपोर्ट होती है। और इसमें क्या क्या आप डालते हैं एक राशन? इसके अंदर देखें आटा मौजूद है, चाय की पत्ती मौजूद है, चीनी मौजूद है। इसके अंदर आप देखें मूंग की दाल मौजूद है, चने की दाल मौजूद है, चना काला चना मौजूद है, सफेद चना इसके अंदर, चावल है, छोला मौजूद है, नमक मौजूद है, चावल मौजूद है, 3 किलो चावल मौजूद है इसके अंदर, आटा भी है इसके अंदर, आटा भी है इसके अंदर। तकरीबन जो रोजमर्रा की उनकी जो जरूरत है ना इंशाल्लाह 20। और ये पूरी जो प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग है ये इसके लिए हमारे लड़के लेदा लगे, इसके लिए हमारे लड़के जो वालिदा है।
लेकिन मुझे ये लगता है कि सिंध जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इग्नोर्ड किया गया है, बहुत निगलेक्टेड है। शेख हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कौन क्या कर रहा है। बात ये ना, अब इससे कहानी बहुत आगे निकल चुकी है। अगर हम भी इंतजार करते रहेंगे कि कोई आएगा तो शेख मुझे तो नहीं लगता ऐसे कोई आएगा। अल्लाह ताला जी हमें खिदमत करने की तौफीक दे। ये सारी बातें सिर्फ आपके सामने लाने का मकसद ये है कि देखें जी, एक इंसान काम करना चाहता हो ना, ये नहीं हो सकता कि उसे मौके नहीं मिले। आपको गरीब ढूंढने, आपको गरीब ना मिले, आपको देने के लिए कोई आपका मन है और आपके पास देने के लिए कुछ ना हो, हम नहीं मानते। तो एक तो जो लोग मैदान में आना चाहते हैं, मैं उन सबको प्रमोट करना चाहता हूं कि आएं, और इन इलाकों में आए जिन इलाकों, ये जो हाईली रिमोट एरियाज हैं, ये पूरी आपकी वेस्टर्न ईस्टर्न सिंध की जो पट्टी है, जो ये पूरी रेगिस्तानी पट्टी है जी, बिल्कुल ये तो बहुत निगलेक्टेड है। अल्लाह ताला जी सबसे कबूल फरमाए हमारे ये शहजादों से, इन शेरों से। मैं अपनी भी बात करता हूँ यहाँ भाई, कैमरे के आगे मशहूर होना और वाकई ये बड़ी बड़ी तकरीरें कर लेना आसान काम है। ये है वो लोग जो मैं तो आऊंगा कुछ अरसे का काम करके चला जाऊंगा और उस पर भी शायद अपने जो है वो हमारे नंबर लग जाएंगे। असल काम वो है, ये असल लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हमारा अली जो है, हैट्स ऑफ टू हिम, अल्लाह ताला इससे कबूल फरमाए और जो है अल्लाह युहाफिज़हुम मिन कुल्ली सूइ मकरूह, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। ये आसान काम नहीं है, इन कामों के अंदर बड़े बड़े दुश्मनी है, बड़े बड़े शैतान तंग करने आते हैं। जब डन एन एक्सीलेंट वर्क माशाल्लाह से, अल्लाह इसको और फैलाए। अल्लाह ताला हम सबको पाकिस्तान की खिदमत के लिए वक्फ कर दे। ये कमर और बिस्तर का ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए, ये जिंदगी क्या जो लोगों के काम नहीं आ सकते। जज़ाकअल्लाह जी, अस्सलामु अलैकुम।